तो भारत पाकिस्तान क्रिकेट, भारत पाकिस्तान तालुकात और वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी खबर यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई आईसीसी को एक चिट्ठी लिखने जा रहा है जिसमें यह कहा जाएगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए। अभी तक तो पुलवामा के बाद जो सेंटिमेंट बन रहा था वो ये था कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेले ना, लेकिन शोर अब इतना ज्यादा हो गया है और सरकार ने, भारतीय सरकार ने अब बीसीसीआई को कहा है कि वो आईसीसी को कहे कि इस वर्ल्ड कप में या तो हम खेलेंगे या पाकिस्तान खेलेगा। और बीसीसीआई ने एक इंटरनल कम्युनिकेशन जारी किया है जिसमें जो सीनियर और आला अधिकारी हैं वो अब कौन कॉल करेंगे, वो आपस में सहमति बनाएंगे और बीसीसीआई लिखेगा आईसीसी को चिट्ठी जिसमें यह कहा जाएगा कि इस वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को बाहर निकाला जाए। हालांकि अनप्रेसिडेंटेड है, क्रिकेट के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान फुल टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, आईसीसी का मेंबर है और ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर निकाला जाए। लेकिन अब ये दबाव बनेगा आईसीसी पर। 27 फरवरी को दुबई में एक मीटिंग है जिसमें आईसीसी ने कई मुद्दों पर बैठना था, लेकिन अब ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी क्योंकि इससे पहले बीसीसीआई आईसीसी को चिट्ठी लिख देगा और उसमें यह साफ तौर पर अपनी मांग रखेगा कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ना हो। हालांकि जैसे मैंने कहा यह अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकते हैं क्योंकि दुनिया जानती है, आईसीसी जानता है कि अगर भारत वर्ल्ड कप से पुल आउट का थ्रेट देता है तो फिर वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड कप हो नहीं पाएगा। और अगर भारतीय थ्रेट अगर वो कहते हैं कि भारत या पाकिस्तान, तो फिर आईसीसी के लिए मामला बहुत पेचीदा होने वाला है। तो सरकार की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से ये निर्देश बीसीसीआई को गया है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन गवर्नमेंट के बिना, सरकार की बिना बीसीसीआई कभी ये कदम नहीं ले सकता था। और एक दिन में आप देखेंगे, एक आधे दिन में बीसीसीआई एक आधिकारिक चिट्ठी लिखेगा आईसीसी को और आईसीसी के लिए शायद आने वाले दिन और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में जहां पर 16 जून के उस मैच को लेकर पिछले साल से टिकटें बिक चुकी थी, 16 जून का मैच, अब तो सिर्फ 16 जून का मैच भारत पाकिस्तान का नहीं, शायद इस वर्ल्ड कप के आयोजन पर सवाल उठेंगे। क्योंकि अगर बीसीसीआई ये कहता है कि भाई पाकिस्तान नहीं होगा और आईसीसी पाकिस्तान को बाहर नहीं निकाल पाएगा, और अगर बीसीसीआई कहता है कि हम ही वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि विश्व क्रिकेट के लिए क्या होगा। लेकिन इसकी पहल हरभजन सिंह ने की थी, आप जानते हैं कि आज तक पर, स्पोर्ट्स तक पर, इंडिया टुडे पर वो पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने आकर कहा था कि क्रिकेट से बड़ा हमारा देश है, खिलाड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जवानों की जान गई है उसके बाद भारत पाकिस्तान के कोई संबंध नहीं होने चाहिए। क्रिकेट के मैदान पर बायलैटरल क्रिकेट तो होती नहीं है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि आईसीसी वर्ल्ड कप में भी भारत को पाकिस्तान का मैच छोड़ देना चाहिए। और आज आपने देखा होगा, आज तक पर हमारे कार्यक्रम दंगल में, जिसमें श्वेता होस्ट कर रही थी, मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, हरभजन सिंह थे, चेतन चौहान भी थे, निखिल चोपड़ा भी थे, और सबने ये कहा कि अब अगर हालात वहां तक पहुंच जाए, न सिर्फ भारत पाकिस्तान का वो मैच छोड़े, बल्कि अगर ये कह दे कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते, तो फिर इस वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो आने वाले दिन में या आने वाले चंद घंटों में आप देखेंगे और अपडेट आएगी, लेकिन अगर आप देखें तो शायद ये इस वक्त क्रिकेट के हलकों में, क्रिकेट की जगत में सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर होगी। स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए, स्पोर्ट्स तक पर आपको इसी तरह पल पल के अपडेट्स मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए।